हेलो दोस्तों, मैं कुणाल। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ फुल कंपैरिजन। किसका? वेल, थोड़ा मुश्किल है करना इस फोन को स्लो। नाम है इसका Redmi Note 5 Pro। भाई स्क्रिप्ट में नहीं थी ये लाइन। नाम है इसका Vivo V9। इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको दोनों फोन्स का गेमिंग परफॉर्मेंस, स्पीड टेस्ट, बैटरी ड्रेन टेस्ट और चेक करेंगे रैम मैनेजमेंट किस फोन की बेटर है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो भी लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस से। एसफिल्ट 8 जैसी ग्राफिक इंटेंसिव गेम खेलने के लिए Vivo V9 में हमें मिलता है एड्रीनो 506 GPU और इसमें प्रोसेसर मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 626 और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Redmi Note 5 Pro में हमें मिलता है एड्रीनो 509 GPU और इसमें प्रोसेसर मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 636 और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो Vivo V9 में मुझे थोड़े से माइनर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। लेकिन Redmi Note 5 Pro में किसी भी तरह के लैग्स, स्टटर्स और फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। तो अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो Redmi Note 5 Pro आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बेंचमार्क स्कोर्स Redmi Note 5 Pro के बेटर हैं और Vivo V9 Android 8.1 पे चल रहा है और Redmi Note 5 Pro Android 7.1.1 पे चल रहा है, बट Redmi Note 5 Pro का Android Oreo बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। बस अब वाईफाई का पासवर्ड मत मांग लेना। बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही और अब स्टार्ट करते हैं स्पीड टेस्ट और देखते हैं कौन सा फोन बेटर परफॉर्म करता है। I'm on to you. Used to paint my mind lines, standing on rainbows, playing.
दोनों ही फोन्स में जो एप्स ओपनिंग टाइम था वो काफ़ी सिमिलर था, जिसकी वजह से स्पीड टेस्ट के रिजल्ट्स भी काफ़ी सिमिलर आए हैं। बट अब एक बार चेक करते हैं दोनों फोन्स का मेमोरी मैनेजमेंट, और दोनों ही फोन्स में 4GB रैम मिलती है, तो जो कंपैरिजन है वो फेयर होगा। तो 11 एप्लीकेशंस मेमोरी में थी रेडमी नोट 5 प्रो में, दैट मींस जो रैम मैनेजमेंट है नोट 5 प्रो की वो एक्सीलेंट है। और मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3000 रुपीज़ और स्पेंड करके नोट 5 प्रो का 6GB रैम मॉडल परचेज करो, 4GB रैम सफिशिएंट है। अभी तक तीनों राउंड्स में नोट 5 प्रो ने बेटर परफॉर्म करा है, अब फाइनली करते हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट। और वीवो V9 में 41% बैटरी है, रेडमी नोट 5 प्रो में 42% बैटरी है। दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, लोकेशन सर्विसेज मैंने ऑन कर दी है। अब मैं दोनों फोन्स में 15 मिनट्स के लिए फुल HD 1080p वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और देखते हैं किस फोन में कितनी बैटरी ड्रेन होती है। तो 15 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद Vivo V9 में 5% बैटरी ड्रेन हुई है और Note 5 Pro में 2% बैटरी ड्रेन हुई है। एक चीज़ और बता दूं कि Redmi Note 5 Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और Vivo V9 में फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती हमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।